कक्षा 9 विषय हिंदी गद्य है एक यात्रा यह भी। लेखक है रामदर्श मिश्र और साहित्य प्रकार है कहानी। इस कहानी में एक रिक्शे वाला, उसका नाम है मोहन, उसका परिचय एक लड़के से होता है। उसके जीवन संबंधित एक घटना है कि इस घटना से नारी के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है एक रिक्शे वाले का, और जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, स्त्री सम्मान की, स्त्री सुरक्षा की आत्मीयतापूर्ण संबंध की, लेकिन सिर्फ कहना और आचरण में करना दोनों में अंतर है। यहाँ पर एक गरीब एक ऐसा रिक्शे वाला है जिन्होंने स्त्री के प्रति जो अपनी प्रीति दर्शाई है वो सचमुच स्त्रियों के जीवन से उनका उद्धारक, सिर्फ सोचने की बात नहीं है, स्त्रियों का उद्धार का पालन भी उसने कर दिखाया है। तो ऐसी प्रसंग से जुड़ी हुई, ऐसी बातों से जुड़ी हुई उसका एक यहाँ पर प्रसंग है इस कहानी में हमें देखने को मिलेगा। तो इससे पहले हम इस कहानी के रचयिता श्री रामदर्श मिश्र जी का परिचय लेते हैं। रामदर्श मिश्र जी, उनका जन्म 1924 में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। उन्होंने कहानियाँ, काव्य, उपन्यास आदि सभी क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। उनके बहुत चर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर, उनके बहुत महत्वपूर्ण कविता संग्रह है बेरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है और आम के पत्ते। उनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन और 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनका हिंदी अकादमी से शिखर सम्मान तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए उनकी रचित एक कहानी एक यात्रा यह भी, इसका आनंद और समझ लेते हैं। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। भीरू का अर्थ होता है डरपोक, यानी यहाँ पर जो पूरा अर्थ है यात्रा भीरू, यानी यात्रा करने से डरने वाला। तो लेखक है, उनको यात्रा करने से डर लगता है। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है कि अनशन किराए मांगने वाले ऑटो वाले से। यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है कि पाला पड़ना यानी सामना करना। हम कहीं पर यात्रा करते हैं तो हमें अनेक लोगों से पाला पड़ता है, यानी अनेक लोगों का सामना करना पड़ता है। और उसमें भी लेखक भी आज यात्रा भीरू है, कहते हैं कि मैं भी यात्रा भीरू हूँ, और कहते हैं सबसे बड़ी असहजता अनुभव होती है कि जो लोग अनशन किराया मांगने वाले ऑटो वाले से, यानी रिक्शे वाला जो है वो अनशन किराए मांग लेते हैं। कुछ जगह पर तो ऐसा दिखता है कि कोई नया इंसान है, इस गांव से शहर से परिचित नहीं है, तो उसको लूट भी लेते हैं, ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं होते। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह चिंता भी बनी होती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। पत्नी साथ थी इसलिए अस्वस्थी बनी हुई थी। अस्वस्थी यानी लेखक स्वस्थ नहीं थे। खुद उन वो तो यात्रा भीरू थे, यात्रा से उनको तो डर लगता ही था, लेकिन अभी तो उनकी साथ में पत्नी भी है तो वो ज़्यादा अस्वस्थ दिखते थे। तो
वो लोग ग्वालियर क्यों गए? तो डॉक्टर से मिलने गए थे। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले कि आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। तो लेखक और उनकी पत्नी ग्वालियर गए थे। तो जैसे वो स्टेशन से उतरे, वहाँ पर सभी लोग हम देखते ही है कि ऑटो वाले पीछे पड़ जाते हैं, चलिए कहाँ जाना है कहाँ जाना है। तो यहाँ पर भी उनको एक ऐसा ही अनुभव हुआ है। और एक नवयुवक ने ऑटो वाले ने बोल दिया था कि बापूजी आप कहाँ जाएंगे ही, यानी कहीं पर तो जाना ही है, और आप ऑटो भी करने वाले हो तो मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी, यानी लेखक ने उसकी ऑटो कर ली। बस प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर को यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताया गया वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर के डोर बेल बजाई। अब वो ऑटो में लेखक और ये ड्राइवर और उनकी पत्नी बातें करते रहे। और फिर वांछित यानी उसकी जो इच्छा थी, यानी जो किराया था, उसने बताया कि इतना हुआ बाबूजी, उतने पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ यानी फिर पता चला कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। पहले तो वो घर पर क्लिनिक चलाते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी क्लिनिक का स्थल बदल दिया है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमें कोई नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दूं? उसने ऑटो वाले ने कहा बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए, वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। यानी लेखक क्या कहते हैं कि वहाँ से लेकर पहले तो स्टेशन से क्लिनिक तक आए, अब क्लिनिक से अब वो पहले तो स्टेशन से क्लिनिक तक आए, उनके घर पर क्लिनिक चलता था, लेकिन स्थल बदल गया है। तो वो स्थल घर वाले क्लिनिक से लेकर अब जो नया स्थल है क्लिनिक का, वहाँ पर आ गए। तो बताते हैं कि अब तो उसके अतिरिक्त जो भी किराया हो गया ना, यहाँ पर न का अर्थ नहीं नहीं है, लेकिन भारवाचक है कि इतना हुआ ही है, यानी चौकसता दर्शाने वाला ये न है। तो बताता है कि यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त तो हो गया ना, यानी जो घर पर क्लिनिक था और जो नया स्थल बताया उसका तो हो ही गया है किराया। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है, यह हमारे भीतर घर करता गया। यानी लेखक को तो पहले ऐसा डर बना रहता था, खुद उन्होंने बताया था कि मैं यात्रा भी रहूं, लेकिन अब लेखक को लगता है कि नहीं, यह इंसान कोई सामान्य नहीं है। और लेखक ने यहाँ पर बताया वह हमारे भीतर घर करता गया। घर कर जाना यानी हमारे दिल में स्थान मिल जाना। लेकिन अब लेखक को अच्छा लगा कि नहीं, ये जो ऑटो वाला है वो अच्छा इंसान है। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आओ? तब लेखक ने कहा यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा मैं ले चलूँगा, वैसे यहाँ कब तक है? तो लेखक ने कहा कल शताब्दी से लौटेंगे। यानी यहाँ पर लेखक को बताया कि आपको कहीं घूमना फिरना हो तो मैं ले जाऊँगा, और आप घर कब लौटेंगे? तो बताते हैं कि मैं कल शताब्दी, जो एक ट्रेन का नाम है, कि अब कल शताब्दी ट्रेन होगी उससे हम घर चले जाएंगे। तभी ये ऑटो वाला कहता है तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं? लेखक कहते हैं भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया नहीं, ऐसा लेखक ने पूछा। तब ये ऑटो वाला कहता है मोहन।
लेखक ने भी कहा, मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक एक बाद एक स्थल दिखाता गया और मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा के नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो, यानी स्टूडेंट्स। यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि जब दूसरे दिन उन्होंने घूमने के लिए वो लोग गए थे, लेखक और उनकी पत्नी, तब उन्हें लगा कि नहीं, ये पहले तो डर बना रहता था लेखक को कि ऑटो वाले जो रहते हैं वो अनसंट किराए मांगते, लेकिन वास्तविक में हम जैसा सोचते हैं तो वास्तविक दुनिया उससे अलग ही है। हमें कभी डर लगता है तो डर हमारा कभी कभी व्यर्थ का डर रहता है। बस वैसा ही लेखक को हुआ। तो अब जब होटल में उस जब घूमने के बाद उस ऑटो वाले जो ड्राइवर था, मोहन था, उसको कमरे में बुला लिया कि आ जा भाई तू भी चाय पी ले। तो उसके साथ चाय पीते पीते पारिवारिक, यानी अपने परिवार क्या है, आपका क्या है, ऐसी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। अब पत्नी ने पूछा है, बेटे तुम ग्वालियर के हो। तब वो मोहन है रिक्शे वाला, वो बताता है कि नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, लेकिन यहाँ आना पड़ा। हमें लगा कि यह कहते कहते कुछ भर आया, यानी कुछ भावुक बात हो गई। वो भर आए यानी उस भर आना, आंसू निकल आना, इसीलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि। फिर वो चुप हो गया। तो यहाँ पर जो मोहन है उसने अपना नाम बताया और फिर पारिवारिक वार्ता शुरू हो रही है। उसमें बताया था कि मैं तो मूलतः आगरा का हूँ, मेरे माता पिता का तो निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनके बड़े भाई जो वकील है उसने उनकी परवरिश की है, और ये जो मोहन है वो भी बीए पास है और नौकरी खोज रहा था कि। फिर उसने पूरा वाक्य छोड़ दिया, यानी चुप हो गया, क्योंकि कुछ घटना उसके साथ घटी है। एक चुप्पी से छा गई, यानी वो मौन हो गया। हमें लगा कि उसके साथ कोई अवांछनीय घटना घटी है। अवांछनीय घटना यानी किसी के सामने न कही जाए ऐसी घटना, जिसका वर्णन न हो सके ऐसी घटना, अवांछनीय घटना। उसे हमने छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू कर दिया, मैं नौकरी की तलाश में था, इधर उधर भटक रहा था कि एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास से धितियाती हुई बोले, मोहन मुझे मुझे बचा लो। तब मोहन ने कहा, क्या हुआ? यानी जब मोहन नौकरी की तलाश में था उसे बदहवास से एक परिचित लड़की मिल गई। धिंध्याती हुई यानी डरी हुई, धिंध्याती हुई लड़की बोली, यानी बदहवास से और धिंध्याती हुई बोली, यानी रोते हुए आवाज़ में जल्दी जल्दी बोल रही है, डरी हुई धिंध्याती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। मोहन ने कहा, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़से के साथ मुझे बेच रहे हैं, मैं कुएं में गिरकर मर जाऊंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। खुसट यानी अप्रिय, और अधेड़ जिसकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, वो अधेड़ उम्र का, मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। असमंजस यानी क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसे जो मन की जो भावना होती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, जब द्विधा अनुभव करते हैं उसे कहते हैं असमंजस। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया था, क्या करूं, कर भी क्या सकता था। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए, वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ दूर सोच रहे कि क्या किया जाए।
थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर उसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता। लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। तो मोहन को जब ये लड़की मिली थी और धिंध्याती हुई रोती हुई बोली थी कि मोहन मुझे बचा लो, मेरे माँ बाप मुझे बेच रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि कहीं कहीं जगह ऐसी दुर्घटना होती है, खुद माँ बाप अपनी बच्ची को बेच रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। लेकिन तब मोहन असमंजस में था कि इसके साथ क्या किया जाए। तो उसे पहले तो पुलिस स्टेशन ले गया। तो थानेदार बोले कि मैं उसके माता पिता को हवालात में बंद कर दूँ, हवालात यानी जेल में। तो बताते हैं कि मैं FIR फाड़ कर उसके माँ बाप को हवालात में बंद कर दूँ। लेकिन फिर लड़की का क्या? तो वही सोच रहे थे इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटे से चुप्पी के बाद एकाएक बोल उठे थानेदार ने बताया मोहन से, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिर हिलाया तो बोला, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? थानेदार ने मोहन से पूछा, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? तो मैंने आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, यानी क्या किया जाए। अभी तो लड़की का प्रश्न है, अब कर भी क्या सकते, सोचने का कुछ समय ही नहीं है कि मैं घर पर पूछ कर बताऊँगा ऐसा वैसे। तो मैंने मेरे आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए, यानी यहाँ पर मोहन ने तो स्वीकृति दे दी है कि हाँ, ये जो लड़की आई थी धिंध्याती हुई बोल रही थी कि मोहन मुझे बचा लो, तो इसे शादी करने में मोहन को तो कोई दिक्कत नहीं है। थानेदार ने उससे पूछा, उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन फिर दोनों बातें कर रहे थे, लेखक उनकी पत्नी और ये मोहन, तो उसने बाद में लेकिन शब्द का प्रयोग किया। तब लेखक कहते हैं, लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करवाना चाहती थी, बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी मैंने सोचा कि भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, इससे अहम बात यह कि वह संकट में है। इसे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो मोहन है उसकी पारिवारिक वार्ता हमें देखने को मिल रही है। लेखक को बताते हैं कि एक दिन ऐसी ऐसी घटना हुई कि मेरे माता पिता तो नहीं थे, मेरे बड़े भाई वकील थे, उन्होंने उस मोहन की परवरिश की है। अब उनकी पत्नी यानी मोहन के भाभी की बहन उनकी शादी का, यानी ये जो मोहन की भाभी है उनकी बहन से मोहन का शादी निश्चित थी, पक्की हो गई थी। लेकिन वहाँ पर कोई संकट नहीं था, लेकिन ये जो धिंध्याती हुई लड़की जो आई थी उसको संकट था। कौन सा संकट? क्योंकि उसके माँ बाप उसे बेच रहे हैं। तब वो सोचकर बताते हैं कि वहाँ पर कोई संकट नहीं है, लेकिन ये लड़की जो है वो सुंदर भी है, परिचित है, और सबसे अहम बात कि उससे विवाह करना प्रीतिकर होगा। प्रीतिकर व्यवहार यानी जिस व्यवहार में प्यार हो, प्रीति हो, यानी प्यारा सा किया हुआ व्यवहार, उसे कहते हैं प्रीतिकर। तो ये मोहन बताता है कि इससे शादी करना प्रीतिकर होगा। प्रीतिकर यानी किसी की भलाई हो, जिससे प्रीत लगी हो, ऐसी भावना प्रीतिकर, यानी उसका भलाई हो वैसी भावना, जिसे कहते हैं प्रीतिकर। तो बताते हैं कि इसके साथ शादी करना प्रीतिकर होगा। आगे कहते हैं कि इससे विवाह करना प्रीतिकर होगा, यानी अच्छा होगा और मानवीय भी होगा। लेकिन फिर क्या? हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो हो नहीं जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर बेची जाएगी,
मैं साथ ले गया तो भैया भाभी नाराज हो जाएंगे, इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो बोले कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखकर रख लेता हूँ। तो यहाँ पर जब मोहन ने अपनी बात बताई थी कि अब लड़के का क्या हो, क्या किया जाए, एकदम तुरंत तो उसके साथ शादी नहीं हो सकेगी, तब मोहन ने बताया कि थानेदार साहब अब क्या हो सकेगा। तो उन्होंने बताया कि 15 दिन के लिए इस लड़की को नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। ये नारी निकेतन एक ऐसी संस्था है जो नारी के उद्धार के लिए कार्य करती है। तो जहाँ पर उनके साथ कुछ घटनाएं होती है तो वो लोग सही सलामत, सभी नारियाँ इस स्थल पर सही सलामत रह सकती है। तो थानेदार ने अभी नारी निकेतन में उसे रखवा दिया है और माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख दी है। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उनसे शादी करवा दी। मैंने कहा मोहन ऐसे दानेदार कहाँ होते हैं, यानी लेखक ने बताया कि स्त्री का भी सम्मान हो, स्त्री का उद्धार हो, ऐसी बातें सोचने वाले ऐसे जो थानेदार कहाँ होते हैं। हम तो कभी थानेदार का नाम आते ही हम डर जाते हैं कि पैसे ले लेते हैं, कुछ न कुछ हमें उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसे भी घटना होती है, कहीं मोहन को कुछ गलत फहमी में डाल देंगे, उसको साथ कुछ गलत गलत, ऐसे कहीं अनेक विचार आते हैं। लेखक ने भी बताया था कि मैं यात्रा भी रहूँ, तो यहाँ पर तो कैसी घटना हो जाएगी कि थानेदार अच्छे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं मोहन को कुछ उसकी झपेट में न डाल दें। तो यहाँ पर तो जो थानेदार है वो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने लड़की के उद्धार के लिए कितनी अच्छी सोच, लड़की के उद्धार के लिए कितना अच्छा सोचा है। पहले तो बताया था कि मैं उसके माँ बाप को FIR लिखवा कर हवालात में बंद कर दूँ, लेकिन लड़की तो वापस बेची जाएगी तो इससे कोई उसका उपाय नहीं है। तो लेकिन उसने बहुत सोचने के बाद बता दिया कि मोहन तुम उससे शादी कर लो, क्योंकि बात लड़की के उद्धार की थी। तब लेखक ने कहा मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लगता कि कथा सुन रहा हूँ। अब लेखक को मोहन बता रहे हैं आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक बात गौर करना, ये थानेदार कवि भी है। हमें पहले लगता है कि जो थानेदार जो लोग रहते हैं वो गर्म मिजाज के यानी गुस्से वाले रहते हैं और कानून की आंटों घुटों में लोगों को डरा भी सकते हैं, धमका भी सकते हैं, लेकिन हालांकि हमारा ये ऐसा सोचना व्यर्थ बात है। सही में देखे तो ये थानेदार हमारे रक्षक है, भक्षक नहीं है। जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो हमें पुलिस स्टेशन का सहारा, पुलिस का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे रक्षक है। लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है खुद रक्षक भक्षक बन जाते हैं, इसलिए हमें कहीं डर लगता है। तो अब ये जो मोहन है वो बताता है कि यह थानेदार कवि भी है। तो हमें तो पहले ऐसा दृष्टिकोण रहता है जो थानेदार जो रहते हैं पुलिस वाले वो गर्म मिजाज के रहते हैं यानी क्रोधी हो रहते हैं, सभी को अनशन प्रश्न करते हैं और कानून की आंटी घुटी में डाल देते हैं, सजा करते हैं, बस हमारे मन में तो सिर्फ यही है। लेकिन बताते हैं कि ये कवि भी है। जो कवि लोग रहते हैं वो संवेदनशील इंसान है, सामने वाले की भावना को वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर थानेदार और कवि ऐसे देखे जाए तो एक दोनों के जो प्रकृति है वो विरोध है। थानेदार गर्म मिजाज के रहते हैं तो कवि लोग शांत दिमाग वाले, लेकिन यहाँ पर जो थानेदार है वो कवि भी है, यानी मानवीय संवेदना को समझने वाले हैं। जो सामने वाला है उसका हृदय, उसका मन समझ सके ऐसे है। कवि सम्मेलन में उनकी कविता पढ़ता है और उनकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है।
तो ये जो थानेदार है वो कवि है, और उनकी कविता कैसी है, मानवीय संवेदना से भरी होती है। संवेदना यानी सहवेदना, यानी सामने वाला जो इंसान है उस वो क्या अनुभव कर रहा है, उसका हृदय, उसका जो दर्द है, उसका दर्द ये सामने वाला जो व्यक्ति है वो महसूस कर सके, उसे कहते हैं संवेदना। और मानवीय संवेदना यानी मनुष्य का हृदय दूसरा इंसान उसका हृदय समझ सके, ऐसी भावना उसे कहते हैं मानवीय संवेदना। तो बताते हैं कि ये थानेदार कवि भी है और उनकी कविता मानवीय संवेदना से भरी है। हाँ तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ जाता है। मसीहा यानी ईश्वर का रूप। जब हम संकट में रहते हैं, अगर हम सच्चे हैं, तो हमें कोई ना कोई ईश्वर हमारी मदद करता है। हाँ तब तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए, खफा हो जाना यानी नाराज हो जाना, हमें घर से निकाल दिया। तो बताते हैं कि तुम्हारे भाई भाभी क्यों खफा हो गए, क्यों तुम्हारे विरुद्ध हो गए। एक तो मैंने भैया की साली से शादी नहीं की, दूसरी जिस लड़की से मैं शादी की वो कोई और जाति की है। तो यहाँ पर उनके भैया और भाभी का मन दुख हुआ, इसलिए उनसे विरोध हो गए। तो भैया भाभी क्यों नाराज हुए थे, तो भैया उनकी जो साली है उनसे शादी नहीं हो पाया हुई थी मोहन की, और जिस लड़की से शादी हुई वह कोई और जाति की थी। यहाँ पर उन लोगों के कुछ जाति पाति के भेदभाव देखने को मिल रहे हैं कहानी में। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए, तब लेखक कहते, ये मोहन कहता है, हाँ बाबूजी आगरा में तो हमारा निर्वाह होना कठिन था, निर्वाह यानी जीवन का गुजारा, उनका जो संसार चलना मुश्किल था, क्योंकि अब तो पहले तो मोहन अकेला था लेकिन अब शादी हो गई, एक से दो हो गए, तो उनका जो संसार चलाने का जो घर खर्च है निर्वाह होना कठिन था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अकेलेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। स्टूडेंट्स, ये पूरे गद्य का महत्वपूर्ण बात है कि पराया शहर में भले में कोई अपनापन न हो, अपनापन तो जो अपने इंसान है, अपना जो दर्द महसूस कर सके उसे हम अपनापन कहते हैं, और परायापन यानी जहाँ पर कोई अपना ना हो उसका विरोध है, अपनापन तो परायापन। तो यहाँ पर ये मोहन कहते हैं कि पराए शहर में यानी दूसरे शहर में भले ही कोई अपनापन ना हो, यानी कोई अपना इंसान है, ऐसा नहीं होता कि हमें पहचान सके, हमारी मदद कर दे, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार से तन मन को उद्विग्न करता रहे। तो यहाँ पर मोहन बता रहा है कि अगर मैं भैया भाभी के साथ रहता तो उनका व्यवहार मेरे प्रति अप्रीतिकर रहता, यानी उनकी बातों में उनके व्यवहार में जरा भी हमें प्रीति देखने को मिलती नहीं, यानी प्रेम लागणी देखने को मिलती नहीं। तो यहाँ पर भले ही कोई दूसरे शहर में कोई भले ही अपनापन ना हो, लेकिन अगर हम पास रहे और वो हमें हर रोज़ दुत्कारे, हमें प्रीति न करे, तो इससे तो अच्छा है कि कोई ना कोई पहचान जरूर हो जाएगी। इसीलिए कहा है कि ये नए शहर में कोई भी अपना ना हो तो चलेगा, लेकिन अगर मैं उनके साथ रहता और उनका व्यवहार अप्रीतिकर होता, अप्रीतिकर यानी जरा भी व्यवहार में प्रीति यानी प्रेम भावना न रहे, तो हमें वो बात दर्द करती है। लेकिन अब नए शहर में है तो अगर मैं पास रहता और उनका व्यवहार कुछ अच्छा ना होता तो उससे भला तो मैं दूर रहूं, वो बात अच्छी लग रही है यहाँ पर। तब लेखक कहते हैं कि बात सही कह रहे हो, और बताते हैं कि अप्रीतिकर व्यवहार न रहकर वो मन को उद्विग्न करता रहता, यानी
दुखी करता रहता, तब लेखक बताते कि सही बात है। तो यहाँ कोई नौकरी तो थी नहीं, बस ऑटो का दामन थाम लिया। यानी उनके पास कोई नौकरी तो नहीं थी, वो BA पास था, नौकरी खोज रहा था, लेकिन ये घटना घटी तो फिर तब से ऑटो का दामन थाम लिया, उसके सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बड़े हो मोहन, ऐसा लेखक ने बताया। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते हैं, किंतु आपने व्यवहार में नहीं उतारते। यानी हम देख रहे हैं लोग नारी सम्मान की बातें करेंगे, नारी सम्मान की कविता लिखते हैं, लेकिन ये मोहन ने जो किया है वो सचमुच एक नारी के उद्धार के लिए था। उसकी तो शादी उनके भैया थे, उनकी साली से, यानी अपनी भाभी की बहन से तय हो चुकी थी वो, लेकिन यहाँ पर नारी के उद्धार की बात थी। हमें बताया था कि प्रीति कर, यानी जिसमें प्रेम और लागणी हो वैसा व्यवहार, तो उस लड़की के उद्धार के लिए उन्होंने मोहन ने शादी की थी, क्योंकि अगर वो उससे शादी न करता तो एक अधेड़ के साथ बेच दी जाती। इसलिए मोहन ने उस लड़की के साथ शादी करके उसका जीवन बचा लिया। इसीलिए लेखक कहते हैं लोग नारी सम्मान की बातें करते हैं लेकिन व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की के दुर्दशा होने से बचा लिया। दुर्दशा यानी जिसकी दशा दूर हुई है, वह दुर्दशा यानी खराब हालत, उस लड़की को खराब हालत से बचा लिया और जीवन के साथ उससे सम्मानपूर्वक लगा लिया, और अपने जीवन के साथ उससे शादी करके सम्मानपूर्वक जीने लगा लिया। अब मोहन कहता है, बाबूजी इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, जब शादी करके एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकट से उबार रही है, वह सच्ची उनकी पत्नी बनकर रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई। लेखक कहते हैं मोहन की यह कहानी हम पर छा गई, वो हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। लेखक को पहले तो लग रहा था कि जो ऑटो वाले हैं अनशन किराया मांगते हैं, इसी बात से लेखक को तो डर लगता था, वो खुद यात्रा भीरु थे, लेकिन अब लगा कि नहीं, जीवन में कुछ अच्छे लोग हैं। हमारा जो डर था मन में वो व्यर्थ का डर था, ये ऑटो वाला है वो तो अच्छा है मोहन जैसे। तो बताते हैं कि मोहन की यह कहानी हम पर छा गई, यानी छा जाना यानी पसंद आ जाना, वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। मैंने उसे 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे यह तुम्हारा परिश्रम है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हो। तब ये मोहन ने कहा, बाबूजी मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा था कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कोई मोल नहीं है। यानी मोहन कह रहा है कि मुझे आपसे इतना बड़ा प्यार मिला, माँ और बाप का प्यार मिला, तो उसके आगे किराया तो क्या है, 500 रुपये। तो बताते हैं कि इस प्रेम के आगे किराया कुछ भी नहीं है। आगे कहते हैं कि पैसे का तो कुछ मोल नहीं है, मोल यानी कीमत, पैसा तो और लोगों से कमा लेता हूँ। अब लेखक कहते हैं, बेटे लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो ऐसा साबित होगा कि मोहन जो मुफ्त में उनको शेयर करवाया, फिर तुम्हारा घर कैसे चलेगा, यानी तुम्हारा शोषण हो जाएगा। लेकिन यह तो बहुत है, जब लेखक ने 500 रुपये दिए थे तो बताते कि यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर 500 का नोट लेकर 300 वापस देने लगा, यानी 200 रुपये रखे और 300 वापस देने लगा, क्योंकि ये मोहन है कोई अच्छा इंसान है। पहले तो लेखक को डर लग रहा था कि लोग ऑटो वाले अनशन किराया मांगते हैं, यहाँ पर परिस्थिति कुछ अलग ही है। अब बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आएगा
मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने पड़ेंगे। तो लेखक जो पहले तो डर रहे थे, लेकिन अब उससे नाता जुड़ गया है, तो अब दिल से उसकी कुछ मदद कर रहे हैं, क्योंकि अब तो उनका कुछ संबंध अच्छा हो गया है। उसके 300 रुपये अपने जेब में रख लिए, जैसे कहा कह रहा हो। यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर मेरे पास आ गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? तब लेखक कहते हैं, हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। ये नहीं, आप मुझे फ़ोन करते रहिए, अब तो परिचित हो गए हम, तो आप फ़ोन करते रहिए। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। तब लेखक कहते हैं कि मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। लेकिन ये जो मोहन था, वो लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहकर बुलाता था। लेकिन लेखक का नाम क्या बताया मोहन को? बाबूजी का नाम सत्यकेतु और अम्मा का नाम कामना। और जब हम स्टेशन स्टेशन के अंदर जाने लगे, तब वह आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए हुए निहारता रहा। यानी अब कहने का अर्थ क्या है कि जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे, तो अपनापन यानी जो अपना इंसान है, वैसे जो भावना रहती है, जो प्यार रहता है, उसको वो निहारता रहा, देखता रहा। तो यहाँ पर जो मोहन वास्तविक रूप में एक स्त्री उद्धारक साबित हो रहा है, और लेखक भी, जब हम कभी हमारी सोच अलग रहती है और वास्तविक दुनिया अलग रहती है, तो यहाँ पर दूसरी एक जगह हमें थानेदार भी, एक संवेदनशील थानेदार देखने को मिल रहे हैं। यानी कभी कभी हम सोचते हैं कि जीवन में तो ऐसा है ऐसा है, वास्तविक रूप से हम अच्छे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर स्त्रियों के सम्मान में उनसे प्रीतिकर व्यवहार, उनका और सभी का प्रीत या और हित और अच्छा व्यवहार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये रामदरस मिश्र जी की ये कहानी थी, एक यात्रा, यह भी यहाँ पर समाप्त होती है। अस्तु।